और भक्ति के बल पर तो परमात्मा भगवान राम चाहते तो अयोध्या में बैठकर या वन में रहकर भी रावण को मार सकते थे और सीता को ला सकते थे। रावण को मारने के लिए राम नहीं गए थे, वो तो सबरी अम्बा तप में लीन थी, रोज झाड़ू लगाती थी, वो सबरी के लिए मेरे राम को वन में जाना पड़ा था। भक्तों के लिए भगवान बन जाते हैं, भक्तों के लिए भगवान लीला करते हैं। लोग कहते हैं भगवान कृष्ण को द्वारका जाने की क्या जरूरत थी, बताओ कंस के सम्मुख में भगवान कृष्ण को रण छोड़ बढ़ने की जरूरत क्या थी, युद्ध का मैदान से भागने की जरूरत क्या थी। भगवान ने एक एक लीला को कर मेरे राम और कृष्ण ने आपको दिखाया है कि संसार में आए हो तो संसार की सारी लीलाओं का स्मरण करना पड़ेगा। संसार में आने के बाद, इस संपूर्ण ब्रह्मांड में आने के बाद मैं आपको अपने जीवन की कुछ कुछ जो जीवन के पहलू हैं उनका स्मरण करना पड़ेगा। और उनको जानना पड़ेगा। सुख और आनंद, इन दोनों में बहुत अंतर है। सुख किसको कहते हैं? एसी के कमरे में सो गए, सुख भोग लिया। डनलप के गद्दे पर सो गए, सुख भोग लिया। सोना चांदी पहन लिया, सुख भोग लिया। कपड़े पहन लिए, सुख भोग लिया। इत्र लगा लिया, सुख भोग लिया। अच्छा एंजॉय कर लिया, सुख भोग लिया। स्वयं जो भोगा जाए वो सुख है, और पूरे परिवार के साथ जो भोगा जाए वो आनंद है, वो सुख नहीं कहलाता, उसको आनंद कहते। आज बहेड़िया परिवार में, पहले शादियां भी बहुत हुई होंगी, घर में फंक्शन भी बहुत हुए होंगे, मकान के मुहूर्त भी बहुत हुए होंगे, पर सारे आयोजन करके देख लेना, उसमें केवल सुख मिलेगा। और जो शिव महापुराण की कथा तुमने करवाई है, पूरी समाज, पूरे नगर, पूरे गांव, पूरे शहर के लोगों के साथ में मिलकर जो करा है, ये सुख नहीं, इसको आनंद कहते हैं, जो संपूर्ण जगत के उद्धार के लिए कराया, संपूर्ण विश्व के कल्याण हेतु कराया, ये आनंद है। धन कमाकर एकाग्रित किया जा सकता है, सुख प्राप्त किया जा सकता है, पर आनंद परमात्मा जब तक कृपा नहीं करता तब तक आप आनंद की अनुभूति नहीं कर सकते, तब तक आनंद नहीं प्राप्त हो सकता। अपने भजन के बल को बढ़ाइए, इस डिब्बी की सुंदरता पर मत जाइएगा, आत्म कल्याण का कुछ विषय ध्यान दीजिए। खूब कमाओ, एंजॉय करो, अपने जीवन को अच्छे से जियो। हम आपसे ये भी नहीं कहेंगे कि तुम मुंह पे साबुन मत लगाओ, नेट क्रीम मत लगाओ, तुम तो खूब लगाओ, मना नहीं है। अगर एक बार में पूरा क्रीम भी अगर डाल के पोत लो तो पोत लो, हमें कोई दिक्कत नहीं, पर निवेदन केवल इतना सा है कि क्रीम की चमक 2 महीना 3 महीना 15 दिन 8 दिन 10 दिन रहती है, और अच्छे कर्म की चमक जिंदगी भर रहती है। यह अच्छा कर्म है। क्रीम की चमक थोड़े दिन में चली जाएगी, पर कर्म की चमक कभी नहीं जाएगी। वो कर्म की चमक परमानेंट रहती है, हमेशा रहती है। आप अच्छा कर्म करो, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अच्छे कर्म की चमक। और जब अच्छे कर्म की चमक आपके पास में रहेगी तो जीवन में कहीं ना कहीं आपको कोई तकलीफ भोगना नहीं पड़ेगी। ऐसा फैशन और ऐसा व्यसन, क्या क्या चीज बोलो जरा? फैशन और व्यसन, व्यसन मतलब नशा आदि। ऐसा फैशन और ऐसा व्यसन कभी मत करना जिसमें अपने धर्म की और अपने धन की हानि होती हो। ऐसा व्यसन भी नहीं करना और ऐसा फैशन भी नहीं करना। जब
जहां अपने धर्म की और धन की हानि होती है। भगवान की अविरल भक्ति, भजन, कीर्तन, स्मरण करो जितना बन सके। एक क्षण का मिले तो एक क्षण का करो, दो क्षण का मिले दो क्षण का करो। ज्यादा बहुत घंटों तक भगवान के मंदिर में भी मत बैठना, नहीं तो भगवान भी कहेंगे घर जा रहे काय को बैठा, क्यों इतना समय बर्बाद कर रहा है। थोड़ा कर्म करो, कर्म करो, कर्म करो। हम बार बार कहते कर्म से पीछे मत हटो, खूब मेहनत करो, पर भगवान पर विश्वास रखकर मेहनत करना कि मुझे इसका फल मिलेगा जरूर, प्राप्त होगा। और जब वो फिर तुम्हारे कर्म के अनुसार तुम कर्म करोगे तब वो फिर खजाना लुटाता है, तब वो फिर जब खूब खजाना लुटाने लगता है फिर कोई कमी नहीं करता। वो देता है। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल 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 काशी वाले ने। अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव के मूल मंत्र का स्मरण करें। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, जैसी जो भाव न लाया वैसा ही वो फल। आप जो भावना लेकर आएंगे वैसा, जैसी जो भावना लाया वैसा ही फल वो पाया, नहीं खाली उसे लुटाया मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लुटाया जो मन ही मन हर्षाया, कर दिया उसे निहाल काशी वाले ने। खड़े नहीं हो गए, एक लाइन बैठे बैठे दोनों हाथों से, कोई खड़ा नहीं होगा। कर दिया माला माल काशी, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, कर दिया माला। हाँ खोल दो खोल दो। काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, हर से खोल दो ये वाले, बैठे बैठे लोगों को दर्शन हो जाएंगे। कर दिया माला माल काशी।
शिवाने ले। ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया, ओ लुटा दिया हाँ लुटा दिया, लुटा दिया हाँ लुटा दिया। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। अरे लुटा शिवाले ने, करिया माला माल काशी वाले ने, ओ लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले। आर भगवान शिव का ओघड़ी का मूल मंत्र का स्मरण आप और हम सब भाव से करेंगे। श्री शिवाय नमस्तोऽयम्, श्री शिवाय नमस्तोऽयम्, श्री शिवाय नमस्तोऽयम्, श्री शिवाय नमस्तोऽयम्, श्री शिवाय नमस्तोऽयम्। भोला सब दुख काटो हमार, ओ भोला सब दुख काटो हमार, शिव शंकर जपूं तेरी माला, भोले बाबा जपूं तेरी माला, भोला सब दुख काटो हमार, ओ भोला सब दुख काटो हमार। शिव कथा कर रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा, आपका भजन आपकी भक्ति आपके पूर्व कर्म के पापों को भी काट देता। अच्छा देखिए, कर्म का भोग तो स्वयं भोगना, कोई दूसरा तो भोगने वाला नहीं है। अपने को खांसी आएगी तो अपन को ही खांसना पड़ेगा, अपने को छींक आएगी तो अपने को ही छींकना पड़ेगा, अपन बीमार होंगे तो दुख भी अपने को ही भोगना पड़ेगा, और अपने लिए भजन भी, बोलते जाओ जरा, अपने को ही। एक भजन वो भी होता है, कोई मर जाता है तो घर की बहुएं एकादशी देती है, छोटी बहू ने दो एकादशी दे दी, किसी ने पांच दे दी, किसी ने चार दे दी। अब ईमानदारी से बताओ, जो मरने वाली थी वो तो चली गई, अब तुमने एकादशी दी तो उसको मिली कि नहीं मिली, इसकी गारंटी क्या है? पर जो मरी, अगर उसने एकादशी करी होगी तो उसको किसी की एकादशी की जरूरत नहीं, उसकी खुद की एकादशी उसको तार। आपको छींक आ रही है तो आपको ही छींकना पड़ेगा, खांसना है स्वयं को। उसी तरह दुख आया, दांत में दर्द हुआ तो झेलना तो इसी को पड़ेगा, हाथ में लग गई तो झेलना अपने को ही पड़ेगा, कोई दूसरा नहीं झेलता। उसी तरह अपने भजन को भी अपने को ही करना है, कोई दूसरा नहीं कर सकता।
मरने के बाद अगर कोई गीता जी सुना रहा है तो समझ लो कि ये दूसरा क्यों। अच्छा तुम ईमानदारी से बोलना रिजी जियों, और जितने भाई लोग बैठे हैं यहां पर सब मन से भाव से बोलना, अपने कुर्ते की बटन अपन खुद लगाएं तो ही अच्छी लगे ना, बोलो तो जम के। और अपनी हाथ काम नहीं करे और पांव काम नहीं करे और दूसरा बटन लगाए तो कितना बुरा लगे साहब, मेरा शरीर अगर भगवान अच्छा रखता तो मैं अपने हाथों से कुर्ते की बटन लगा लेता, अपने हाथ से तैयार हो जाता, पर शरीर भगवान से कहना हमारा भजन हम स्वयं करें ऐसी कृपा करना, में हमारे बत्तल का कोई दूसरा करे वो श्रेष्ठ नहीं, हमारे भजन को हम स्वयं करें, हमारे कीर्तन को हम स्वयं करें, हमारी भक्ति को हम स्वयं धारण करें। अगर एक दूसरे को देते ना अपना दुख, कुंती कौन थी भगवान कृष्ण की, बोलो बोलो, बुआ, जिनका भतीजा द्वारिका का नाथ, जिनका भतीजा स्वयं भगवान, जिनका भतीजा स्वयं द्वारिकाधीश, उसके बाद भी कुंती मैया को भोगना पड़ा कि नहीं भोगना पड़ा बताओ, पति मर गया, पति मर गया, पांच बच्चों को लेकर वन वन डोलती फिरी, अपने बच्चों को लेकर जंगल जंगल वन वन फिर रही है, भगवान आते हैं बीच बीच में द्वारकाधीश, पर वन वन फिर रही है। अब भगवान की बुआ थी, चाहते तो भगवान दो मिनट में बस ऐसे चुटकी बजाते और बुआ का दशा बदल जाते। कौरव और पांडवों के युद्ध की जरूरत पड़ती क्या भगवान को, अपने बुआ के लड़कों को देखते भगवान कि मेरे बुआ का बेटा इतना दुखी है, युधिष्ठिर नकुल सहदेव अर्जुन भीम इतने दुखी हैं, भगवान एक चुटकी बजाते और सारा युद्ध समाप्त हो जाता, सब काम हो जाता। पर बुआ से मिलने जरूर आते थे पर बुआ का दुख काट कर नहीं गए, अर्जुन से मिलने जरूर आते थे पर अर्जुन का दुख काट कर नहीं गए। भगवान कृष्ण ने एक ही बात गीता में कही, अर्जुन कर्म प्रधान है, तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा और बुआ तुम्हारे कर्म का भोग तुम्हें भोगना पड़ेगा, कोई नहीं काट सकता। तो बुआ ने कहा हे कृष्ण इस कर्म के भोग को मैं भोगूंगी पर यह कटेगा कैसे, कटेगा कैसे। भगवान ने कहा बुआ अगर दूध ज्यादा गर्म है तो उसको थोड़ी देर ठंडा करने के लिए रख दो, एक प्लेट में डालकर ऐसे ऐसे हिला दो, हिलाने के बाद थोड़ा सा फूंक मार दो, दूध ठंडा हो जाए, धीरे धीरे फिर उसको पी लीजिए। उसी तरह जब दुख कष्ट बीमारी रोग तकलीफ ये कर्म के अनुसार मिलती है, ये आएगी जरूर, पर याद रखना फूंक मारना थोड़ा पंखे के नीचे रख देना, थोड़ा प्लेट में डालकर हिला देना, उसका मतलब है दुख तकलीफ कष्ट आए तो भगवान के भजन की फूंक मारते रहो और दोनों हाथों से प्लेट को हिलाते रहो, ताली स्मरण करते रहो, थोड़ी देर पंखे के नीचे रख दो, मतलब शिव पुराण में जाकर बैठ जाओ, थोड़ी सी थोड़ा कष्ट थोड़ा दूध जो गर्म है वो ठंडा हो जाएगा, थोड़ा कष्ट कम हो जाएगा, दुख तो आएगा कष्ट तो आएगा। कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा, कहीं का महाराज तुमसे कह दे कि नहीं तुम्हारा एक दुख नहीं आएगा, तो ऐसा महाराज कहीं का मिल जाए तो हमको भी मिला देना, हम भी ऐसे महाराज को ढूंढना चाह रहे हैं कि कोई कह दे कि तेरी जिंदगी में दुख ही नहीं आएगा। राम कृष्ण परमहंस जी स्वामी विवेकानंद के गुरु जिनके गले में कैंसर हो गया था, ध्यान है आप लोगों को, जिनके शरीर में बड़ी बीमारी हो गई, रामकृष्ण परमहंस जी स्वयं स्वामी विवेकानंद के गुरु, और वो रामकृष्ण परमहंस जी जिनके सामने मां दुर्गा शारदा भवानी मां आद्य शक्ति देवी उनके सामने खड़े होकर बात करती थी, रे रामकृष्ण कैसा है रे बाबू,
तो ठीक तो है ना बबुआ। रामकृष्ण परमहंस के सामने देवी स्वयं खड़ी होकर बात करती थी, पर रामकृष्ण परमहंस के सामने खड़ी रहती थी माँ जगत जननी, और रामकृष्ण परमहंस से कहती थी तेरे को रोग हो गया है, बीमारी हो गई है रामकृष्ण, मालूम है तेरे को? हाँ माँ, बीमारी तो हो गई है माँ, पर माँ मेरे कर्म का भोग तो मुझे ही भोगना पड़ेगा। अब इतने बड़े रामकृष्ण परमहंस जी थे, चाहते तो कोई बीमारी ना आती, कोई कष्ट ना आता, पर कर्म जो पूर्व समय का करा है उसका भोग तो मनुष्य की देह में भोगना पड़ेगा। कहीं का महाराज भी तुमसे आकर कह दे, कितना बड़ा भी कोई ना कोई आकर तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारी कोई बीमारी नहीं आन दूंगा, कोई रोग नहीं आन दूंगा, कोई कष्ट नहीं आन दूंगा, कोई दुख नहीं आन दूंगा, तो ये तो फालतू की बात है। फिर तो इसको लोग कह देना कि अंधविश्वास है, इसको अंधविश्वास कह सकते हैं। हमारे जिंदगी में मनुष्य की जो देह मिली है वो दो कारणों से मिली है, एक में जो कर्म करा है उसका भोग भोगने के लिए, और दूसरा है भगवान का भजन करने के लिए। जितना हम भगवान का भजन करते जाते हैं, कथा सुनते जाते हैं, सत्संग करते जाते हैं, शिवजी पे एक लोटा जल चढ़ाते जाते हैं, उससे होता क्या है, क्या होगा उससे? केवल उससे इतना होगा कि तुम्हें दुख सहन करने की शक्ति मिलेगी, और जब दुख सहन करने की शक्ति मिल जाएगी तो जो दुख आया है वो हल्का लगेगा एकदम फीका, और तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, उन्नति की ओर अग्रणी होते चले जाओगे, तुम आगे बढ़ते चले जाओगे, वो दुख तुम्हें छोटा सा लगने लगेगा, तुम और आगे बढ़ोगे, वो दुख और कम हो जाएगा, और आगे बढ़ोगे। रामकृष्ण परमहंस जी के सामने माता जगत जननी दुर्गा आकर खड़ी होती थी तो भी रामकृष्ण परमहंस जी ने कभी अंधविश्वास या ढोंग और प्रपंच की ओर नहीं बढ़े। रामकृष्ण परमहंस कहते रहे कि कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। भगवान कृष्ण की बुआ थी माता कुंती, भगवान चाहते तो चुटकी बजा के सारा दुख मिटा देते, पर भगवान ने कुंती माँ से कहा, माँ कर्म का भोग भोगना पड़ेगा। अर्जुन, नकुल, सहदेव, युधिष्ठिर, भीम चाहते तो कृष्ण हमारा भाई है, बुआ का, हमारे यहाँ का रिश्ते जारी जुड़ी हुई है, कृष्ण हमको बचा लेगा, पर भगवान ने युद्ध लड़वाया कुरुक्षेत्र की भूमि पर। भगवान चाहते तो पांडवों के सोते हुए 5 पुत्रों को बचा लेते, पर नहीं, कर्म का भोग भोगना पड़ेगा, पूर्व में जो कर कर आए हो उसको भोगना यहीं पर है। पूछ लिया अर्जुन ने, ये मेरे 5 पुत्र मर गए, इनने कौन सा कर्म करा था? भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन पूर्व की बात मत निकाल, पूर्व की बात सुनेगा तो तू भी रो पड़ेगा कि तूने पूर्व में क्या करा था। और सुन अर्जुन, अगर देखना है तो मैं भी तुझे नमूना दिखाता हूं। पूरे कौरव मर गए, और कौरव मरे, और गांधारी आई, और गांधारी ने आकर आंख से आंसू बहाकर कहा, कृष्ण मेरा पूरा परिवार मिट गया, कृष्ण कम से कम मैंने जिंदगी में अपने बेटों को एक बार भी नहीं देखा, क्योंकि पट्टी बंधी रहती थी, आज मेरे 100 पुत्रों को मरा हुआ देखना चाहती हूँ, कृष्ण मुझे ले चल। भगवान कृष्ण ने अर्जुन को साथ बिठाया उस रथ पर, और गांधारी का हाथ पकड़ा और युद्ध मैदान में ले जाकर खड़ा कर दिया कुरुक्षेत्र की भूमि पर, और माता गांधारी से कहा, गांधारी माँ पट्टी खोलो। माता गांधारी ने जो आंख की पट्टी खोली तो उनकी दृष्टि सबसे पहले बेर के पेड़ पर गई, बोर के पेड़ पर। उस बेर पर, उस बोर पर जब दृष्टि गई तो गांधारी उस बेर को तोड़ने लगी, तोड़ने के लिए हाथ ऊंचा करा, इतनी देर में हाथ नहीं जाता तो एक शव को पकड़ कर लाई, फिर दूसरे शव को पकड़ कर लाई, धीरे धीरे सारे शवों का ढेर लगाया, गांधारी उस पर खड़ी हो गई और बेर खाने लगी। नीचे उतरी, कन्हैया से कहा, कन्हैया मेरे बेटों का दर्शन करा दे। भगवान कृष्ण ने कहा, गांधारी माँ जिनके ऊपर तुम चढ़कर खड़ी हो, जिनको पांव से कूच रही हो, ये तुम्हारे वो मरे हुए 100 पुत्र हैं, उनके ऊपर चढ़कर तुम बेर खा रही हो। गांधारी बिलख कर रोने लगी, कृष्ण मैंने पूर्व में ऐसा क्या कर दिया था जो मुझे आज भोगना पड़ रहा है? माँ पूर्व का मत पूछ, फिर रोएगी, फिर कहता हूं तुझको। मां कहती है, नहीं मुझे बता कि मैंने पूर्व में क्या करा था। अरे गांधारी, पूर्व में बड़ी सुंदर तू राजकुमारी थी, तेरी सुंदरता के आगे सब फीके थे, एक हाकिम तेरे यहां आ गया और उस हाकिम ने कहा, राजकुमारी जी मैं तुम्हें बुढ़ापे तक सुंदर बनाने की दवा दे सकता हूं और तुम बुढ़ापे में भी सुंदर दिखोगी, कभी बुढ़ी नहीं होगी। तो तुमने कहा बनाओ दवा, हाकिम ने कहा, राजकुमारी जी दवा बनाने के लिए थोड़ी हिंसा करना पड़ेगी, भले हिंसा कर दो पर दवा बनाओ।
तब हाकिम से राजकुमारी जी तुमने पूछा दवाई के लिए क्या चाहिए मुझे बता, तो उस हाकिम ने कहा मुझे 100 केचुए ला कर दो। 100 केचुए ला कर दिए, तुम्हारे हाथ से तुमने ला कर दिए और तुम्हारे सामने वो केचुओं को पीसा गया, कूटा गया। वो केचुए जो कूटाए पिसाए लोंदे गए उससे दवाई बनी और तुमने शरीर पर लगाया और तुम सुंदर तो हो गई राजकुमारी जी। वो 100 केचुए जो तुमने हाकिम को दिए थे और मरवाए थे, वो 100 केचुए तेरे गर्भ से जन्म लेकर तेरे सामने मरे पड़े हैं। ये तेरे कर्म का भोग है, ये तेरे कर्म का भोग है। अर्जुन सोचे कि मेरे को मेरा भाई है कृष्ण, मेरे सखा है कृष्ण, मेरे को संभाल लेंगे, युद्ध लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो यह कर्म का भोग है, भोगना पड़ेगा। भीम को भोगना पड़ेगा, युधिष्ठिर को भोगना पड़ेगा, नकुल सहदेव को भोगना पड़ेगा, भीष्म पितामह बाणों की सैया पर पड़े हैं। एक मात्र सांप सामने आ गया था और उसको उठवाकर बाण की नोक से एक कांटों की बमूल की झाड़ियों में पटक दिया था और सांप तिल तिल कर मरता रहा था, तो भीष्म पितामह को मरना पड़ा। कहीं का तुमसे कह दे कि मैं तुम्हारे को दुख नहीं आने दूंगा, ने तकलीफ नहीं आने दूंगा, ने बीमारी नहीं आने दूंगा, तो समझ लेना पक्का झूठेला है। ऐसा कहीं का महाराज नहीं होता जो कह दे कि कर्म का भोग नहीं भोगना पड़ेगा। कर्म का भोग तो भोगना पड़ेगा, पर भगवान के भजन के साथ में, शंकर जी को एक लोटा जल चढ़ाने के साथ में, शिव की स्तुति करने के साथ में, भगवत भजन करने के साथ में, कलयुग में राम नाम और कृष्ण नाम का स्मरण करने के साथ में, हमारा जो दुख है वो आएगा जरूर पर कट जाएगा। कुंती से पूछा गया, कुंती माँ तू मुझे बार बार क्यों याद करती है भगवान कृष्ण को? तब कुंती ने कहा जब तू मेरे सामने आता है तो मैं दुख को भूल जाती हूँ, जब जब शिव पुराण तुम्हारे सामने टीवी पर आती है तुम भी दुख को भूल जाते हो। भगवान करुणा करना चाहते, हमारे कर्म का भोग हमको भोगना है, हमारे दुख को हमें भोगना है, और जब हमारे दुख को हमें भोगना है तो वो भजन के बल पर उसको काटना चालू करो। एक लोटा जल शिवजी को चढ़ाकर उस दुख को काटना प्रारंभ करो, भगवान शंकर की पूजन कर एक बेलपत्र समर्पित कर उस दुख को काटना चालू करो। दुनिया में कोई तुम्हारे दुख को नहीं काट सकता, केवल तुलसीदास जी ने लिखा कलयुग केवल नाम धारा, संसार का दुख कटता है तो भगवान के नाम से कटता है। तुम भगवान का नाम लो, एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी का भजन करो, किसी आलतू फालतू के चक्कर में मत पड़ो, नहीं तो जिंदगी नाश हो जाएगी, पर भगवत भजन में जो चित्त लगाया तो जीवन सार्थक हो जाएगा। कहीं नहीं जाना हमें, राम नाम कृष्ण नाम शिव नाम में जुड़ा। अपने चित्त को भगवान तक लेकर जाना। आप सब लोग शिव महापुराण की कथा में आए हो, कथा तो आज विराम हो जाएगी, 12 तारीख को बैतूल में चालू हो जाएगी 1 बजे से 4 बजे तक, पर जितने भी यहां कथा सुनने के लिए आए हो, आपने अपना चित्त अपना मन अपना समय अपना हृदय भगवान में लगाया है। अब तुमने अपना समय दुख, ऐसा कौन व्यक्ति है जिसको दुख नहीं है? जितने बैठे हैं पूछो इनसे, सबका पेपर अलग अलग है, एग्जाम दे रहा है संसार में आकर, सबका पेपर अलग अलग है, फिजिक्स का पेपर सबके अलग अलग आए, किसी के इसमें ये प्रश्न आ गया, किसी के इसमें वो प्रश्न आ गया, सब पेपर दे रहा है। जितने बैठे हो और जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हो और जितने लोग इस मोबाइल पर सुन रहे हैं, ऐसा कोई संसार में जन्मा हो जिसके जीवन में दुख नहीं हो? दुख सबको है, बड़े से बड़े महाराज से लेकर संत महात्मा जोगी सन्यासी तपस्वी साधक उपासक उन तक को दुख है। तकलीफ किसको नहीं है? बस संत भगवंत भगवान के भजन में उस दुख को निकाल देते हैं, फिर सुख की घड़ी आ जाती है। आप कथा सुनने के लिए बैठे हो, शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, भगवान के मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, शंकर की कथा को अपने जीवन में उतार रहे हो, तो इतना याद रखना कि दवाई ज्यादा कड़वी होती है तो उसको पानी से निगल लेते हैं, दुख ज्यादा है तो शिव महापुराण से निगल लेते हैं। बस दुख को निगलने की एक तरीका है भगवान का भजन, भगवान का कीर्तन, भगवान का स्मरण, इसको नहीं छोड़ना।
मान लो नौकरी नहीं लग रही, सर्विस नहीं लग रही आपकी, तकलीफ भोग रहे, नहीं लग रही, इंटरव्यू पे इंटरव्यू दिया, कर्म करने में पीछे मत हटो, फिर तैयारी करो, और अब की बार तैयारी करो तो फिर शिव महापुराण का स्मरण कर भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाकर, एक बेलपत्री चढ़ाकर, अब क्या होगा, पानी साथ में मिल गया दवाई निगलने के लिए, शिव साथ में मिल गया दुख को काटने के लिए। जब जब कृष्ण सामने आते थे कुंती का दुख आधा हो जाता था, जब जब कृष्ण सामने आते थे सम्मुख में दुख आधा हो जाता था। क्यों? रथ की डोर संभाली मेरे कृष्ण, क्यों संभाली? इन पांडवों के लिए रथ की डोर संभाली? कौन कहता है कि भगवान कृष्ण ने अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर के लिए पांडवों के लिए रथ की डोर संभाली थी? कौन कह सकता है? अगर गीता का स्मरण करा है, भगवान कृष्ण ने पांडवों के लिए रथ नहीं चलाया, भगवान कृष्ण ने पांडवों की रक्षा के लिए रथ नहीं चलाया, भगवान कृष्ण ने अगर रथ चलाया है तो सामने जो युद्ध के मैदान में जो सैनिक सामने आकर जब खड़े होंगे, युद्ध के कौरव इधर पांडव इधर होंगे, दोनों सेनाएं जब भिड़ रही होगी, मैं रथ लेकर आगे खड़ा होऊंगा और सारे सैनिक आपस में, इन परिवार की लड़ाई में ये बेचारे सैनिक मर रहे होंगे, इन मरते हुए सैनिक को मोक्ष देना है मुझे, जब ये सैनिक मेरा दर्शन कर करके मरेंगे तो इनको मुक्ति मिल जाएगी, इसलिए रथ चलाया उसने। पांडवों के लिए रथ चलाने की जरूरत नहीं थी, उन्होंने रथ संसार के कल्याण के लिए चलाया कि सामने जितने खड़े हैं इनका उद्धार मेरा केवल दर्शन कर हो जाए, केवल दर्शन। इनने क्या बिगाड़ा विचारों ने, ये परिवार की लड़ाई हो रही है, प्रॉपर्टी की लड़ाई हो रही है, ये जमीन की लड़ाई हो रही है, राजघराने की लड़ाई हो रही है, इसमें इनने क्या बिगाड़ा विचार, इनको तो कुछ मिलने वाला ही नहीं है, पर आपस में राजा के लिए तो लड़ना पड़ेगा। कुर्सी किसी को मिलती है, सत्ता किसी को मिलती है, और मोहल्ले के लोग आपस में लड़ लेते हैं, क्यों लड़ना? इनके कल्याण के लिए मैंने सम्मुख आया। लड़ रहे हैं आपस में, एक पति पत्नी झगड़ा कर रहे थे रास्ते में, पति बोला डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली इंजीनियर बनाऊंगी, मेरे बेटे को मैं डॉक्टर बनाऊंगा, वो कि मेरे बेटे को मैं इंजीनियर बनाऊंगा। संत वहीं से निकल कर जा रहे थे, उनने पूछ लिया क्यों झगड़ रहे हो, पिताजी कह रहे हैं मैं बेटे को डॉक्टर बनाऊंगा, मां कह रही है मैं बेटे को इंजीनियर बनाऊंगी। संत ने कहा तुम दोनों आपस में मत सोचो, बेटे को बुला लो, उससे पूछ लो वो क्या बनना चाहता है। पति पत्नी दोनों ने कहा अभी तो वो हुआ ही नहीं है, तीसरा महीना चल रहा है। संत ने भी हाथ जोड़कर कहा बेटा अंदर ही रहना, निकल नहीं बैठे, अभी तो तू आया ही नहीं और माँ बाप लड़ने बैठ गए, तो तेरे आने के बाद कितना झगड़ा होगा, जरा विचार कर ले संसार। भगवान से कहा करो सांवरिया सेठ, मेरे जन्म से पहले तूने 9 महीने पहले सूचना दे दी थी कि 9 महीने पहले मालूम पड़ गया था कि आने वाला है, कितने महीने पहले, 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि आने वाला है, जैसे तूने 9 महीने पहले बता दिया था आने की सूचना दे दी थी, हे सांवरिया से जाने की सूचना भी 9 मिनट पहले दे देना तो मैं राम बोल लूंगा। पर वो इतना चतुर है आने की सूचना 9 महीने पहले देता है पर जाने की सूचना एक क्षण पहले नहीं देता, कब निपट गया मालूम नहीं, क्यों? भगवान जानते हैं कि मरते समय अगर इसने मेरा नाम ले लिया तो इसको कैलाश लाना पड़ेगा, नारायण बोल लिया ले जाना पड़ेगा बैकुंठ, कृष्ण बोल लिया गौलोक धाम ले जाना पड़ेगा, अगर ये भगवान का भजन मरते समय कर लिया तो इंद्र को नीचे आना पड़ेगा और इंद्र का सिंहासन इसको देना पड़ेगा, इसलिए जन्म लेने 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि होगा, तुम्हारे आने की सूचना हो जाती है, पर मरने की सूचना तो 1 मिनट पहले भी नहीं मालूम पड़ती कि कब मरेगा,
कई कई तो डॉक्टर भी कह देते अब इनकी अंतिम सांसें चल रही है, घर ले जाओ। जो घर ले गए मालूम पड़े 2-3 साल निकल गए। चार बार तो गीता जी सुना दी, 2 बार गंगा जल पिला दिया, गोबर लीप के जमीन पे सुला दिया, डोकरी फिर जिंदा, फिर नहीं मरी। फिर डोकरी ने कहा चाय बना ला, अदरक डाल के थोड़ा पुदीना डाल देना चाय, फिर जिंदा। और खूब कहा था बड़े बड़े विद्वानों ने, इनकी तो खूब लंबी उम्र है, खूब जिएंगे, खूब जिएंगे। मालूम पड़ा साइलेंट अटैक आ गया। साइलेंट अटैक मतलब जानते हो? तुमको मालूम ही नहीं पड़ा। कल ही तो इन्होंने बहुत अच्छे से ढोकला खाया था, कड़ी ढोकला बहुत अच्छे से खाया, 3 मठरी भी खाई थी। रात को बोले मेरे को 1 गिलास दूध दे दे, मैंने दूध भी दे दिया। फिर बोले मेरे को 4 बिस्कुट ला दे, बिस्कुट भी दे दिया। सवेरे मालूम ही नहीं पड़ा कब चले गए, साइलेंट।